अच्छा सवाल किया आपने। अब चूंकि मेरे आपने तसलसल तोड़ दिया, लेकिन फॉर्चूनर की बात मैं बताता चलूं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं वो वजीर आजम हूं जिससे कोई मोटरसाइकिल सीटी 70 लेके दिखाए मैं उसे जड़ा मनाऊंगा। फॉर्च्यूनर तो बीबी पौने 2 करोड़ की गाड़ी है। 5 साबिक मौजूद वज़ीरे आज़म ने एक डीओ नोट प्रेजेंट किया मुझे जी के आजाद कश्मीर हिली ट्रेन है। हमें चूंकि साबिक वज़ीरे आज़म के तौर पर पिछले 20-25 साल से मुझे नहीं पता जमरात किस दौर में दी गई, एक गाड़ी की और कुछ पेट्रोल की, और उनके घरों पे 3 गार्ड दिए गए। आप ये गाड़ियां हमसे वापस ले लें, वो होंडा गाड़ियां थी, नहीं आई अभी जो आपके वज़ीरे इकराम के पास में, ये भी मेरे दौर में नहीं आई। तो आप वो गाड़ियां वापस ले लें और उनके बदले हमें आप जीपें ले लें। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई अर्ज नहीं है, ले लें। मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा जी गाड़ियां, मैंने कहा जी वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के पीछे 2002 मॉडल, 6 मॉडल, 8 मॉडल, 14 मॉडल, जिस रंग की गाड़ी आपको पसंद है उधर से ले लें जाके, किसी पे बॉडी रखानी है बॉडी रखा लें, जो आप करना चाहते हैं करें। एक मौजूद साबक वजीर आजम ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं तू जेड़े चक्कर च असी भाई हो नहीं, तू साड़ी होंडा दे नजर रखी है, आखिर में तू कहेगा कि आप देना क्या है। तो गुजारिश यह है कि एक नई फॉर्च्यूनर भी नहीं आई। वजीर आजम 1000 सीसी की गाड़ी पे फिरता और खुद चलाता है फॉर्च्यूनर, लोगों के टैक्सों के पैसों से फॉर्च्यूनर। लेकिन अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का। देखिए मेरी एक ही बात है कि सच कहना और सच सुनना ये हुसैनी नजरिया है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये कमजोर मेदे के बस की बात भी नहीं है कि वो इसको पचा जाए। अब सारा दिन मैं सोशल मीडिया पे छपने वाले मुख्तलिफ तबसरों की वजाहत किया करूं। मेरी बहन ने ये सवाल किया, आप वकील हैं, किसी भी ये साफी जितनों ने ये लिखा कोई एक नोटिफिकेशन एक गाड़ी की फोटो ही दिखा देता। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है, खबर झूठी साबित हो जाए तबसरा झूठा साबित हो जाए तो इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए ना कि पोस्ट ही लगा दें जी कि हमने झूठ लिखा था, माजरत खाएं। किसी की तकीर करने में लघु या वाहियात बात लिखने में कितनी देर लगती है। लेकिन ये जो दो इधर बैठे हुए हैं ना, ये एक ही वक्त आपसे लगा होते हैं आप सबको पता है। बाकी ये बैठे हैं ये, इनकी नोटिंग में कोई फर्क नहीं आता ना, ये इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये देख रहे हैं, ये मुसलसल लिख रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है।